गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स लेसन नंबर 3। इसमें सबसे पहले हम लोग को जिक्र करना है पॉलीगन के बारे में। तो पॉलीगन किसको बोलते हैं इसको देख लीजिए। पॉलीगन जो है एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व को बोलते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना रहता है, ठीक है। अगर हमसे बोले इसका डेफिनेशन लिखने के लिए तो कहिएगा ए सिंपल क्लोज्ड कर्व That is made up of only line segment, ठीक है। सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिल करके बना रहेगा, ऐसा क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना रहता है उसको बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज से मिलकर बना रहेगा उसको पॉलीगन नहीं बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, ऐसा क्लोज कर्व जो है सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना रहता है तो उसको पॉलीगन बोलते हैं। इसका पॉलीगन का फिगर अगर देखा जाए तो देखिए ये जो है क्लोज कर्व है, ठीक है। ये क्या है जी, क्लोज कर्व है और बंद है ना कर्व, क्लोज जो है कर्व जो है ये जो ऐसा कर्व है जो कि क्लोज है, चारों तरफ से बंद है और लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये पॉलीगन है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, ये वन नंबर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देंगे आपको कि ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दे करके ऐसे दिया हुआ, तो क्या ये पॉलीगन है, तो कहेंगे ये पॉलीगन नहीं है। कैसे नहीं है जी, इसमें ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट नहीं, ये कर्व है ना जी, ये कर्व है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो ये पॉलीगन नहीं है। उसी तरह अगर हम बात करें कि ये क्या पॉलीगन है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ, देखिए ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज भी है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रहा है ना, क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। सिंपल क्लोज कर्व बोला है, इसमें क्या बोला जी, सिंपल क्लोज कर्व बोला है, तो ये सिंपल नहीं है। सिंपल कैसे है, ये कर्व क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है। उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं कि ये क्या पॉलीगन है, तो कहेंगे ये पॉलीगन है। कैसे पॉलीगन है जी, ये सिंपल क्लोज कर्व है, लाइन से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, क्या ये पॉलीगन है, तो कहेंगे ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, यहाँ तक क्लोज कर्व है लेकिन यहाँ से बस ओपन है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है लेकिन यहाँ पर ओपन है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। उसी तरह अगर हम बात करें आपसे ये पॉलीगन है, तो कहेंगे ये पॉलीगन है। कैसे पॉलीगन है भाई, क्योंकि देखिए ये क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हुआ है, तो ये पॉलीगन है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे ये कि आपको पॉलीगन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। उसी तरह का पूछा सर्किल, दैट इज ए क्लोज्ड कर्व, यस इट इज ऑल्सो ए क्लोज कर्व, ठीक है। देखिए क्लोज कर्व नहीं है, क्लोज कर्व है, तो क्या ये जो है पॉलीगन है, तो कहेंगे ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। हमको क्या चाहिए, लाइन सेगमेंट चाहिए, ठीक है, क्लोज कर्व चाहिए, वो भी सिंपल में, ठीक है। सिंपल तो है, बात सही है, क्लोज कर्व भी है, सिंपल भी है, लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए पॉलीगन नहीं। तो ये हो गया पॉलीगन का कुछ कॉन्सेप्ट। पॉलीगन बहुत सारा तरह का होता है, क्लास 7 वगैरह में आप लोग सीखे होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं हम, कुछ थ्योरी है ना, कुछ थ्योरी को पहले देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे हम प्रॉब्लम की तरफ। देखिए क्या है कि अगर हम बात करने जा रहे हैं पॉलीगन के बारे में, तो पॉलीगन बहुत तरह का होता है। जैसे कि हम बात करें पहला ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ट्रायंगल वैसे पॉलीगन को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ 3 साइड है। क्या जी, सिर्फ 3 साइड होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। पॉलीगन है, ट्राइंग मतलब क्या होता है जी, 3। क्या ट्राइंगल मतलब होता है 3, एंगल मतलब होता है एंगल, है ना। तो 3 एंगल वाला, 3 साइड वाला या फिर 3 एंगल वाला कोई ऐसा पॉलीगन, जब जैसे बात 3 साइड है तो 3 एंगल भी होगा, उसको ट्राइंगल बोलते हैं। उसी तरह अगला है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं जिसके पास 4 साइड हो। कोई भी पॉलीगन हो, जैसा भी पॉलीगन हो, 4 साइड होना चाहिए। ये रेक्टेंगल है, जरूरी नहीं है कि जो है रेक्टेंगल ही हो, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा फिगर हो सकता है। अगर बोले स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो कहेंगे यस स्क्वायर इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। कहते कुछ ऐसे इस तरह से, क्या ये जो है क्वाड्रिलेटरल है, तो कहेंगे यस इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास 4 साइड है, ठीक है। 4 साइड है उसका मतलब क्वाड का मतलब ही होता है 4 साइड, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, तीसरा नंबर में पेंटागन, ठीक है। पेंटागन आप लोग जो है स्पेलिंग जो है आप देख लीजिएगा, पेंटागन, पेंटागन किसको बोलते हैं, जिसके पास 5 साइड हो। क्या जी, किसके पास अगर 5 साइड होता है तो हम बोलेंगे कि ये पेंटागन है। ये कितना हो गया, 3 साइड, और ये रहा हमारे पास 4th साइड। जरूरी नहीं है कि साइड इक्वल हो, जरूरी नहीं है। रेगुलर पेंटागन में अगर साइड इक्वल हो तो रेगुलर उसको बोलेंगे, फिर आगे देखेंगे। ये 5 साइड पेंटागन हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें हेक्सागन, तो हेक्सा का मतलब होता है 6, पेंटागन मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6। तो जिसके पास कितना साइड हो जी, 6 साइड हो, ठीक है, जिसके पास
छः साइड हो, वो हमारे पास क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी हेक्सागन कहलाएगा। उसी तरह अगला नंबर में आप देख लीजिए, अगर हम बात करें पांच नंबर में हेप्टागन, ठीक है, हेप्टागन, हेप्टा का मतलब होता है क्या चीज, हेप्टा का मतलब होता है सात, और गॉन का मतलब होता है पॉलीगॉन जैसी बात है, तो हेप्टा का मतलब सात हो गया। तो इसमें सात जो साइड होना चाहिए, एक कुछ इस तरह से हो गया, फिर कुछ इस तरह से हो गया, ऐसे करने के बाद ऐसे हो गया, ठीक है, दो दो चार एक पाँच, तो छः ही तो हुआ ना, तो एक ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया और इसको मिला दिया, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात तो हो गया हेप्टागन। उस तरह अगला है आपको छठा नंबर में ऑक्टागन, ठीक है, इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा सातवां नंबर में अगर बात करें तो नौनागन, ठीक है, नौनागन, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें आठ नंबर में, आठ नंबर में अगर हम बात करें तो कहिएगा नौनागन के बाद से डेकागन, ठीक है, डेका का मतलब होता है तेन, डेकागन, ठीक है। उसके बाद से है ना आगे है आपको एन गन, अगर अनडेक होता है, अगला अनडेक होगा तो अनडेका गन, डू डेका गन, ये वगैरह वगैरह होता है। चलिए तो इतना याद रखिए, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नौनागन, ठीक है, डेकागन, डेकागन तक याद रखिए काफी है, दस तक याद रखिए काफी है, दस साइड आप बना लीजिएगा। चलिए तो ये हो गया आपको क्या चीज, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब जो है आपको पॉलीगन के बारे में हो गया, है ना, पॉलीगन जो है कैसे बोले, पॉलीगन किसको बोलते हैं जिसके पास क्लोज कर्व होना चाहिए, वो भी सिंपल में इसका आप कॉन्सेप्ट दे दिए। और पॉलीगन कई तरह का होता है, पहले ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरह से पॉलीगन का ये टाइप हो गया। आगे चलते हैं, अगला चीज है डायग्राम्स के बारे में, हेडिंग डाल दिया डायग्राम, ठीक है, ये छोटा छोटा थ्योरी है, उसको देखने के बाद से ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगला है आपको डायगोनल्स, आप जो है छोटा सा एक जो है टॉपिक दीजिए, डायगोनल, डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल देखिए, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल वैसा लाइन को बोलते हैं जो कि दो कंजक्यूटिव नॉन कंजक्यूटिव, ठीक है, दो जो है वो नॉन कंजक्यूटिव लाइन जो साइड को जोड़े, ठीक है, वर्टिसेस को जोड़े, ठीक है, ऐसे लाइन को जो है हम डायगोनल बोलते हैं। द लाइन विच कनेक्ट, लिख लीजिए द लाइन, अगर आपको लिखना है डेफिनेशन तो लिख लीजिए द लाइन विच कनेक्ट टू नॉन कंजक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन का दो नॉन कंजक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्टिंग जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। अब नॉन कंजक्यूटिव का क्या मीनिंग हुआ इसको देखा जाए, अगर हम बोले आपसे कि ये हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है, तो इसका वर्टिसेस ये है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, इसका वर्टिसेस है ना जी, वर्टिसेस ये है इसका, वर्टिसेस कॉर्नर, ठीक है, तो ये वर्टिसेस है। तो नॉन कंजक्यूटिव, नॉन कंजक्यूटिव का मतलब ये हुआ है, कंजक्यूटिव पहले समझना होगा तब ना नॉन कंजक्यूटिव समझ में आएगा। कंजक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, अगर कोई पूछे आपको लगातार, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक, वन एंड वन आफ्टर अनदर, ठीक है, जो वन आफ्टर अनदर, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, है ना, कंजक्यूटिव का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा जी, वन आफ्टर अनदर, यानी एक के तुरंत बाद एक। तो इसमें नॉन अगर लग जाए तो क्या होगा, तो नॉन का मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक नहीं, मतलब एक एक को छोड़ करके, ठीक है, कंजक्यूटिव है ना, कंजक्यूटिव, नॉन कंजक्यूटिव मतलब क्या हुआ, लगातार नहीं, नहीं लगातार क्या, तो कंजक्यूटिव मतलब लगातार, तो लगातार नहीं होना चाहिए, यानी एक के बाद तुरंत बी आ रहा है और एक के तुरंत बाद डी आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक के तुरंत बाद बी आ रहा है, एक के तुरंत बाद डी आ रहा है, तो ये जो है ए से बी और ए से डी ये कंजक्यूटिव है, लेकिन ए से सी क्या है, ये नॉन कंजक्यूटिव है, ठीक है, ए और सी क्या है, नॉन कंजक्यूटिव है, तो नॉन कंजक्यूटिव को मिलाने वाला जो लाइन है यही डायगोनल कहलाता है, बात समझ में आया क्या, इसका नाम क्या होगा जी, डायगोनल, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें बी के लिए, तो बी के लिए नॉन कंजक्यूटिव क्या हो जाएगा, डी होगा, ये और ये तो कंजक्यूटिव हो जाएगा, लगातार है इसके, तो ये इसको मिलाने वाला जो लाइन है, ये लाइन क्या है जी, इसको हम बोलेंगे डायगोनल। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा क्या, ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ठीक है। तो हमारे पास दो डायगोनल हुआ, कौन कौन सा डायगोनल हुआ जी, हमारे पास दो डायगोनल हुआ, इसमें बोलेंगे कि ए सी, ए सी एंड बी डी, कौन सा जी, बी डी आर टू डायगोनल्स, आर टू डायगोनल्स, डायगोनल्स, ठीक है, बात समझ में आया है। तो डायगोनल्स किसको बोलते हैं, नॉन कंजक्यूटिव वर्टिसेस को ऐड करने वाला, मिलाने वाला जो लाइन है उसको हम बोले डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगला चलते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ये सब थ्योरी है, इसको देखना पड़ेगा तब प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
चलिए हेडिंग डालिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। पॉलीगन के में ही सारा चीज ये बात हो रहा है ना जी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाए थे वो एक तरह का पॉलीगन था, पॉलीगन में ही हम बात करने जा रहे हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं, इसको देखा जाए। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन वैसे पॉलीगन को बोलते हैं जिसका जो डायगोनल हो, डायगोनल जो है वो एक्सटीरियर हो, ठीक है, सॉरी जिसका हम कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में हम बात करें तो बोलेंगे कि ऐसा पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं जिसका डायगोनल हमको एक्सटीरियर में मिले ही नहीं, ठीक है, जिसका डायगोनल एक्सटीरियर में मिले ही नहीं। और कॉनकेव पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसका डायगोनल एक्सटीरियर में ही मिले, ठीक है। अगर हम बात करें कि कॉन्वेक्स पॉलीगन का पहला हेडिंग डाल दीजिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसका डायगोनल जो होना चाहिए, डायगोनल नॉन एक्सटीरियर होना चाहिए, नॉन एक्सटीरियर, ठीक है, यानी एक्सटीरियर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन एक्सटीरियर, ठीक है। डायगोनल कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सटीरियर मतलब क्या हुआ कि बाहर नहीं मिले, ठीक है। अब क्या है बाहर, इसको हम बताते हैं आपको दूसरा नंबर से। कॉनकेव पॉलीगन को आप देख लीजिए तो इससे आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन आसानी से समझ में आएगा, जिसका डायगोनल हमको क्या मिले जी, कॉनकेव पॉलीगन का जिसका डायगोनल हमको एक्सटीरियर ही मिले, ठीक है, समझ में आता है कि एक्सटीरियर मतलब बाहर से। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, यहां पर एक पॉलीगन बनाते हैं, यहां पर देखिए, देखिए ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है, दोनों को दोनों पॉलीगन है। पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिसको सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाना चाहिए। देखिए लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ सिंपल है, क्लोज है, ठीक है, ये बात समझ में आया, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, सिंपल है, क्लोज है। अगर इसका डायगोनल हम खोजने जाएं, ए बी सी डी यहाँ पर कह देते हैं, ए बी सी डी और ई कह देते हैं, ठीक है। अगर हम बोले इसका डायगोनल, तो इसका डायगोनल हमको क्या मिलेगा जी, ठीक है, और इसका डायगोनल हमको मिलेगा ए सी मिलेगा डायगोनल, और क्या मिलेगा जी, बी डी मिलेगा, ठीक है, ए सी एंड बी डी मिलेगा ना जी हमको। डायगोनल किसको बोलते हैं, जो कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाला लाइन। तो नॉन कंसेक्यूटिव मतलब ए और सी नॉन कंसेक्यूटिव है, ए का कंसेक्यूटिव बी होगा, ए का कंसेक्यूटिव डी होगा, लेकिन ए का सी नॉन कंसेक्यूटिव होगा, ठीक है, तो ये डायगोनल हो गया। उसी तरह अगर हम सोचे इसमें डायगोनल जो है बताइए, तो इसमें डायगोनल आप बताइएगा कि ए से आप डायगोनल अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ए से ई जो है कंसेक्यूटिव हो जाएगा, ए से बी कंसेक्यूटिव हो जाएगा, ए से डी जो होगा वह नॉन कंसेक्यूटिव होगा, क्योंकि ए के ई के बाद से डी आ रहा है। तो देखिए ये जो डायगोनल हम कर रहे हैं, ये डायगोनल जो है ये एक्सटीरियर है, बाहर है, और ये इंटीरियर पार्ट पे है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये बना हुआ डायगोनल है। और ये जो डायगोनल है एडी, इसका जो डायगोनल है एडी, डायगोनल एडी जो है वो क्या है जी, एडी क्या है, एक्सटीरियर है, देख लीजिए क्या है जी, ये एक्सटीरियर डायगोनल है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है जी, बाहर, एक्सटीरियर डायगोनल है, ठीक है, ये आपको समझ में आता है यार कि ये एक्सटीरियर डायगोनल है और ये इंटीरियर डायगोनल है, क्लियर होगा। इसमें इंटीरियर डायगोनल है, हम कह सकते हैं कि ए से जो सी कनेक्टिंग लाइन है वो भी डायगोनल है, ठीक है, और बी से जो डी कनेक्टिंग है वो भी डायगोनल है, बी से ई कनेक्टिंग है वो भी डायगोनल है, लेकिन हमको एक एक्सटीरियर मिल गया जी, तो हमको एक एक्सटीरियर मिल गया, इसलिए इसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। और हमको जो है इसमें कहीं भी एक्सटीरियर डायगोनल नहीं मिला, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स और ये रहा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। बस दिमाग में अगर रखना है तो ये याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसमें एक्सटीरियर डायगोनल नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में नॉन एक्सटीरियर एंगल, नॉन एक्सटीरियर डायगोनल चाहिए, ठीक है, डायगोनल नॉन एक्सटीरियर, ठीक है। और जो कॉनकेव पॉलीगन है जिसमें हमको एक्सटीरियर डायगोनल चाहिए ही चाहिए, तब जाके वो कॉनकेव बनेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारा हो सकता है पॉलीगन, आप देख लीजिए, अगर बोलिए इसको बोल दीजिए आप, इसको अगर बोलिए तो देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर डायगोनल मिल गया क्या, तो ये भी बोलेंगे ये कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। तो ये रहा कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन का कॉन्सेप्ट, आपको ये समझ में आया। चलिए अगला चलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन की तरफ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये छोटा छोटा थ्योरी है, इसको देखिए। अगला रेगुलर पॉलीगन, हेडिंग डालिए रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं। देखिए जो रेगुलर पॉलीगन है वो रेगुलर पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। देखिए रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को बोलते हैं जिसका इक्वी एंगुलर और इक्वी लेटरल होता है, बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन को बोलते हैं इक्वी एंगुलर, इक्वी
एंगुलर एंड इक्वी लेटरल, ठीक है, इक्वी एंगल एंड इक्वी लेटरल जो है पोलीगन होता है, इक्वी एंगुलर एंड इक्वी लेटरल पोलीगन आर कॉल्ड रेगुलर पोलीगन, ठीक है, रेगुलर पोलीगन। अब देखा जाए, ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि इक्वी लेटरल और इक्वी एंगुलर क्या चीज है। इक्वी एंगुलर उसको बोलते हैं वैसा पोलीगन जिसका एंगल इक्वल हो, इक्वी लेटरल एक ऐसा पोलीगन जिसका साइड सब इक्वल हो। जैसे एग्जाम्पल हम बात करने जा रहे हैं, स्क्वायर को ले लीजिए, स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री इक्वल होता है, तो बोलेंगे क्या है, स्क्वायर इज ए रेगुलर पोलीगन, ठीक है। क्या बोलेंगे यहां पर, स्क्वायर इज ए रेगुलर पोलीगन। बात समझ में आया क्या, स्क्वायर क्या है जी, एक रेगुलर पोलीगन है। उसी तरह अगर हम बात करने जाए, अगर बोले पेंटागन, ऐसा पेंटागन बनाते हैं जो कि बिल्कुल इक्वल साइड का हो, ठीक है, बिल्कुल इक्वल साइड का पेंटागन हम बनाते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए सब इक्वल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, ठीक है। अगर इसको बोलना रहे तो क्या बोलेंगे, ये एक नंबर में, दो नंबर बोलेंगे क्या जी, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन अगर बोला जाएगा तो क्या पता लगेगा, ये सब इक्वल है, ठीक है, और हर एक एंगल भी इक्वल है, ये कहेंगे कहना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल ले रेगुलर हेक्सागन को, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर एक साइड बिल्कुल इक्वल होगा। देखिए लग रहा है ना, सब इक्वल है, ये 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 सब इक्वल है, और इसका हर एक एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन समझ जाइए कि इक्वल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो वैसा पॉलीगन जिसका साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, दोनों इक्वल होगा। जब साइड इक्वल होगा ना तो ऑटोमेटिक एंगल भी इक्वल होगा, या फिर अगर कहें कि अगर एंगल इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिक साइड भी इक्वल होगा, ये नहीं नहीं ये कंसेप्ट सही नहीं है कि अगर एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अगर बात करें हाँ तो रेक्टेंगल का एंगल इक्वल होता है लेकिन साइड इक्वल नहीं होता है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन बिकॉज इट्स एंगल इज इक्वल बट इट्स साइड इज नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल है, ये आपस में चारों इक्वल नहीं है, चारों इक्वल होगा तब जाकर कहेंगे कि क्या होगा जी, वो रेगुलर पॉलीगन है। तो हम लोग क्या देखा, रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसका एंगल और साइड दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो ही रेगुलर पॉलीगन उसको कहेंगे, ठीक है। यह रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्यों नहीं है बता दिए, चलिए रेगुलर पॉलीगन ये खत्म हो गया है ना। और इररेगुलर पॉलीगन तो आपको पता है, जैसी बात है, इररेगुलर पॉलीगन इसको भी डाली डालिए, इररेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे जिसका साइड और एंगल इक्वल ना हो, बस खत्म हो गया है ना, जो है आप कहेंगे कि इररेगुलर पॉलीगन, हेडिंग डाल दीजिए इररेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन उसको बोलेंगे जिसका साइड और एंगल इक्वल नहीं है। चलिए हम बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे तो बोलेंगे कि इररेगुलर पॉलीगन है, क्या बिल्कुल अलग अलग है ना, तो बोलेंगे इररेगुलर पॉलीगन। उसी तरह रेक्टेंगल के बारे में बात की, क्या ये इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। चलिए ये हो गया रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन हो गया। चलिए अगला डालिए हेडिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, अगले हेडिंग डालिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए जैसे क्लास सिक्स वगैरह में आप सीखे होंगे, क्लास सेवन में सीखे होंगे कि देखिए किसी भी जो ट्रेंगल होता है उस ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर यानी ये ए अगर हम बोले इसको, बी इसको बोले और सी इसको बोले, तो कहिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम ये इतना है, ठीक है। अगर इसका एक्सटीरियर एंगल पूछे, एक्सटीरियर एक्सटीरियर बोले तो इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बढ़ाने के बाद से ये कितना हमको नहीं पता है, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर हो गया ना, है ना, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोलें कि इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये इसका इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब समझ में आ गया आपको। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 हुआ किसका, ट्रेंगल के केस में। उसी तरह हमको पता है क्वाड्रिलेटरल के केस में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के केस में जो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है जी, इंटीरियर एंगल का सम बोलिएगा ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, एंगल डी इक्वल टू में 360। आपको पता है क्या कि इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा जी, किसके लिए,
क्वाड्रिलेटरल के केस में, तो क्वाड्रिलेटरल के केस में इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, चाहे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, कुछ भी हो, स्क्वायर हो, इंटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा क्वाड्रिलेटरल केस में। लेकिन इसके लिए एक हम आम फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, तो कहेंगे कि सम ऑफ, इसको नोट में लिख लीजिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन के लिए अगर इंटीरियर एंगल का सम अगर देखें तो फॉर्मूला उसके लिए है कि आप क्या कीजिए, n माइनस में 2 कर करके और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जहां पर n जो है, n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए n 1, 2, 3 स्टार्ट नहीं हो सकता है, हम बोले n इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। n क्या है, n इज क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल नहीं, साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। क्योंकि पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है, कोई भी पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है जी, पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है क्या, तो पॉलीगन का साइड हो सकता है n, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, किसी भी इंटीरियर एंगल का सम, किसका, पॉलीगन के कोई भी इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को लगाइए, n माइनस 2 इंटू में 180, n क्या है, साइड का पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का साइड का नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पर देखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, है ना, पॉलीगन के साइड का नंबर। अगर हम बोले आपसे कि अगर ट्रायंगल के बारे में हम बात करें, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में, इसी के बारे में बात करें, ठीक है, 180 आ रहा है ना, तो हम 180 लेके आना है, ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होगा, ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है हमको पता है, 180 होता है, तो ट्रायंगल में कितना साइड होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, कितना साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, इनके जगह क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस में 2, है ना, 3 माइनस 2 इंटू में 180, देख लीजिए 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू में 180 इक्वल टू में कितना आएगा, 180 आएगा, जैसे कि हमको पता है 180 होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये देखिए इसके लिए निकाल लेते हैं। अगर बोले क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल का अगर एंगल का अगर हम सम देखें, तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना हो जाएगा जी, क्वाड्रिलेटरल का टोटल साइड कितना होता है जी, 4 साइड होता है, तो इनके जब क्या रखेंगे, 4 माइनस 2 इंटू में 180, ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 इंटू में 180 कितना होगा जी, 360, जैसे कि हमको पता है 360 होता है। उसी तरह का पेंटागन का निकाले, हेक्सागन का निकाले, 180 या 20,000 को साइड हो जाए, उसके अंदर का इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई कह दे कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसका जो है साइड, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू में 1000 है, और फिर पूछे कि आपको इंटीरियर एंगल का सम बताइए उस पॉलीगन का, तो क्या रखेंगे, इनके जब रखेंगे कितना जी, 1000, इनके जब कितना, 1000, अगर 1000 टू साइड है तो इनके जब 1000 रखेंगे, 1000 में से 2 जाएगा तो 998, 998 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीरियर एंगल का सम निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको पता हो गया, चलिए आगे चलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल, अगर आपसे हम कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिख चुके होंगे, अगर हमसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो अगर बोले यहां पर कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा जी, 120 होगा ना, एक्सटीरियर एंगल का मतलब, क्योंकि ये लाइन है, इस लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्लास 7 में सीखे होंगे लीनियर पेयर, इस लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इसमें से 60 निकल गया इधर, तो कितना बचेगा, 120 ना बचेगा इधर, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका है ना, लेकिन अगर हम बोले कि एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमको रेगुलर जो है हेक्सागन या हेप्टागन या रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, या फिर कोई भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। कहते हैं ये रहा इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है जी, इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दें यहां पर, बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर का, इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है जी, फॉर्मूला एन माइनस टू इंटू में 180, ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह अगर हम पूछे कि कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, कहेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, बाहर का एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है जी, 360, कितना होता है जी, 360, ये याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। अगर आपको इसका चेक करना है, तो अगर हम बोले आपसे कि एक पेंटागन को लेते हैं, ठीक है, पेंटागन को लेते हैं, है ना, चलिए हम पेंटागन को लेते हैं इस तरह से,
तो पेंटागन रेगुलर है एग्जाम्पल, ये रेगुलर पेंटागन है यानी कि सबका साइड क्या है जी, इक्वल है, ठीक है, ये रेगुलर पेंटागन है। तो इसका इंटीरियर एंगल का जो है सम कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम, तो बोलिएगा इंटीरियर एंगल का सम है ना, सम अगर हम निकाल रहे हैं किसका, इंटीरियर एंगल का, तो इंटीरियर एंगल का अगर हम सम निकालें तो कहिएगा कि एन माइनस में टू और इंटू में 180, यही ना फॉर्मूला है, एन की जगह पाँच रखिए, माइनस में दो और इंटू में 180, यही ना कहिएगा, पाँच में दो गया तो तीन इंटू में 180, 18 54 540 है ना, 540 हो गया, यानी सबका सम, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अगर इसको ए बोले बी बोले सी बोले डी बोले ई बोले, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या बोलेंगे जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू में कितना होगा जी, 540, कितना हुआ जी, 540 है ना, आपको समझ में आया होगा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर एंगल का मतलब यही ना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 540, कहां से आया, इस फॉर्मूला से आया। अगर हम आपसे कहते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल निकालिए, क्या निकालने के बोल रहे हैं जी, आप इसका एक्सटीरियर एंगल निकालिए, यानी ये वाला एंगल निकालिए है ना, ये वाला एंगल निकालिए, एक्सटीरियर एंगल निकालिए। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए जैसे कि आपको पता है कि इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, आप पता कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन पूछ दे कि इसका टोटल इंटीरियर एंगल का सम जो है 540 है, लेकिन एक का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो जैसे कि आपको पता है क्योंकि ये रेगुलर है, क्या है जी, ये रेगुलर है, क्या जी, रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन का रेगुलर किसको बोलते हैं, जिसका एंगल भी सब इक्वल हो जाए आपस में, है ना, यानी हर एक एंगल इक्वल हो, हर एक साइड इक्वल हो, तो इसका एंगल इक्वल है, तो अगर एक एंगल को एक्स कह दे तो सब एक्स हो जाएगा क्या, अगर एक ठोक एक्स बोलेंगे तो सब एक्स नहीं हो जाएगा क्या, सब एक्स हो जाएगा, तो ये कितना बार एक्स हो जाएगा जी, पांच बार एक्स हो जाएगा ना जी, इक्वल टू में 540, तो ये पांच एक्स हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो कितना एक्स होगा, पांच एक्स इक्वल टू में 540, अगर इससे कट करते हैं 5 × 5 = 0 × 48 है ना, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 108, कितना हो गया जी, 108, यानी कि अगर एक इंटीरियर एंगल का एक ठो इंटीरियर कितना का बना जी, 108 है ना, आप देख सकते हैं 5 × 5 = 0 × 48, ठीक है, तो 108 डिग्री का बना है, 108 डिग्री का बना है एक ठो इंटीरियर एंगल, कितना बना जी, 108 डिग्री का। तो अगर आपसे पूछते हैं कि अगर ये 108 डिग्री का है तो ये कितना होगा, समझिएगा हम जो बोल रहे हैं, अगर आपसे पूछे हम कि ये एक टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 108 है तो ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल 180 है, ठीक है, तो कहेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, बोलेंगे यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, ठीक है, पेंटागन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा जी, तो हमने निकाला है एक ठो रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 108 है, तो 180 में 108 घटाना पड़ेगा ना, 180 में से 108 को घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में 0 गया 7, और एक में से गया 72 डिग्री, कितना बना जी, 72 डिग्री, बस समझ में आया क्या, कितना बना जी, 72 डिग्री का बना, एक तो एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है, और 72 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 360 आना चाहिए, जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360, तो 72 में 5 से मल्टीप्लाई करके रफ में चेक कर लीजिए, यानी 72 + 72 + 72 360 होना चाहिए ना, तो 72 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देखिए 360 आ रहेगा, 5 × 10 = 0 हाथ में 1, 5 × 35 = 1 = 36, 360 आ रहा है, ठीक है, तो समझ में आता है ना हम जो कहना चाहते हैं, देखिए ऐसा है कि इसको फिर से बता देते हैं, हमने बताया यार कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम कितना बनेगा, n − 2 − 180, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इनके जगह पर साइड का नंबर आप डाल दीजिएगा, आपका इंटीरियर एंगल का टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है, और बोला है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना बनेगा, 360, ये आपको याद रखना है। और इस केस में ये क्वेश्चन था, ये क्या था, ये क्वेश्चन हमने अपने मन से दिया कि एक रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम बताइए कितना होगा, तो हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 540 निकाला, और उसके बाद से हम पूछे कि हर एक एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल किसका, पेंटागन, क्योंकि रेगुलर है तो सबका एंगल बराबर होगा, इसलिए एक्स एक्स डाल करके एक्स के वैल्यू 108 निकाल दिए, यानी एक्स एक निकाले 108, यानी एक इंटीरियर एंगल कितना होगा रेगुलर पेंटागन का, 108 होगा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए कि टोटल 180 है, तो 108 में दिखा देंगे 72 डिग्री, ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया, चलिए अब हम चलते हैं क्या चीज, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं इसको, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं।
एक्सरसाइज 3.1 चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 में ये क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है गिव हियर आर सम फिगर, गिवन हियर आर सम फिगर, कुछ फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बोल रहा है कि इसके बेसिस पे आपको क्या करना है कि क्लासिफाई करना है। ठीक है, कुछ क्लोज कर्व दिया हुआ है, देखा जाए क्या क्या दिया है। पहला नंबर में दिया हुआ है कुछ इस तरह से, देखिए फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, मिला दे रहे हैं, ये फिगर दिया हुआ है और फिगर ये दो नंबर का फिगर यहाँ दिया हुआ, इसको हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पर दिया हुआ है ये काइट पतंग टाइप का दिया हुआ फिगर, उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है ओवल, ठीक है ये ओवल दिया हुआ है इस तरह से, उसके बाद से यहाँ पर स्टार दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, ये तीन नंबर है और ये चार नंबर है, और ये पांच नंबर में दिया हुआ फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ बादल टाइप का, ठीक है ये इस तरह से दिया हुआ है, और छठा नंबर में दिया हुआ है कुछ इस तरह से फिगर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज्ड कर्व है, ठीक है कर्व है, और सातवां नंबर पर दिया हुआ है कुछ ये सर्किल दिया हुआ है, और इसमें ऐसे करने के बाद से जो है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ये दिया हुआ है, और आठवां नंबर में ऐसे फिगर दिया हुआ है, ठीक है ऐसे फिगर दिया हुआ। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है आपको क्लासिफाई करने के लिए बोल रहा है ना, क्लासिफाई लिख देते हैं, बोल रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है इसके बेस पे जो दिया हुआ उसके बेस पे, पहला नंबर बोल रहा है सिंपल कर्व, क्या बोला है पहला नंबर सिंपल कर्व, ठीक है दूसरा नंबर बोल रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है क्या बोला जी सिंपल क्लोज्ड कर्व, और उसके बाद से ये हो गया, उसके बाद से बोल रहा है सी नंबर में क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं, सी नंबर बोल रहा है पॉलीगन, ठीक है सी नंबर बोला जी पॉलीगन, और डी नंबर में बोल रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है और ई नंबर में बोल रहा है कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है इस तरह से ये बोल रहा है, तो आपको बताना है कि कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, कौन सिंपल कर्व है, इस तरह से बताना है। देखिए जी बोला है सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व बोला है, दूसरा बोला सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो सिंपल कर्व का मतलब ये हुआ कि क्लोज हो या फिर ना हो, ठीक है वो सिंपल होना चाहिए, तो इसको ए नंबर को थोड़ा देख लिया हम रहने देते हैं, हम चलते हैं बी नंबर पर। देखिए सिंपल का मतलब ये हुआ कि वो कहीं से क्रॉस नहीं करना चाहिए, सिंपल का क्या मतलब है जी कहीं से वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है तो सिंपल कर्व में आपको वन नंबर सिंपल कर्व है, ठीक है ये सिंपल क्लोज कर्व भी है और सिंपल कर्व भी है, ठीक है उसी तरह अगर दो नंबर बोले तो ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है, ये तीन नंबर सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि देखिए इसके अंदर भी एक और कर्व है और ना ही ये सिंपल कर्व है क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है, ना ही ये सिंपल कर्व है क्योंकि ये भी क्रॉस कर रहा है, हाँ ये सिंपल कर्व है, देखिए ये सिंपल कर्व, ये कर्व है और ये लाइन है और ये कर्व है तो सिंपल कर्व ये, ये भी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है, तो सिंपल कर्व जो बोला है तो सिंपल कर्व में आपको हम बोल रहे हैं वन नंबर होगा, क्या क्या होगा जी सिंपल कर्व में वन नंबर होगा, दो नंबर होगा, ठीक है एक नंबर होगा, दो नंबर होगा, और उसके बाद से क्या होगा ये पांच नंबर होगा, छह नंबर होगा, सात नंबर होगा, इसका आंसर आप चेक कर लीजिए सिंपल कर्व में क्या क्या दिया हुआ है, अगर 3.1 का हम देखें तो इसमें सिंपल कर्व में क्या क्या दिया हुआ है इसका आंसर आप देख लीजिए 3.1 में, ठीक है 3.1 में देखिए बोला ना 1, 2, 5, 6, 7 जैसे कि हमने बताया है कि 1 भी सिंपल कर्व है, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वही आंसर दिया, क्या क्या दिया 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, क्या ये 1 नंबर है सिंपल कर्व और 2 नंबर भी सिंपल कर्व है और उसके बाद से ये 5 नंबर सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक आ गया और ये नहीं है क्योंकि क्रॉस कर रहा है, 5 नंबर सिंपल कर्व है तो 5 नंबर, 6 नंबर सिंपल कर्व है क्योंकि ये लाइन है और ये कर्व है, ठीक है कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है,
और सेवन नंबर सिंपल कर्व है, क्योंकि देखिए ये कर्व है और दो लाइन है, और एट नंबर सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। उसी तरह सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लोज कर्व में यही होगा, है ना, चूंकि सब के सब बंद है, कोई इसमें खुला नहीं है, तो इसका भी आंसर यही होगा। देख लेते हैं इसका आंसर 1, 2, 5, 6, 7 वही आंसर दिया हुआ इसका भी, 1 है 2 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा, सिंपल क्लोज कर्व में भी यही होगा, क्योंकि सब के सब बंद है, जितना भी है ये भी बंद है, ये भी बंद है, सब के सब क्या है बंद है, ये तीनों तो नहीं होने वाला ना, ये सिंपल कर्व है ही नहीं, तो क्लोज कहाँ से है, है ना, ये क्लोज है या नहीं है, सिंपल नहीं है, बस इतना समझिए। क्योंकि सिंपल क्यों नहीं है ये, क्योंकि एक के अंदर ये है और ये क्रॉस कर रहा है, और ये तो खैर लाइन है, दो लाइन कर्व जो जोड़ रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हो गया बोला पॉलीगन, इसमें पॉलीगन कौन है, ठीक है। तो पॉलीगन बोले तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, सिंपल कर्व होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाना चाहिए, तो ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, तो सिर्फ इसमें दो ही पॉलीगन हमको मिल रहा है, तो कहेंगे पॉलीगन हमारे पास एक नंबर है और दो नंबर है, एक नंबर और दो नंबर पॉलीगन है। उसके बाद से बोला है कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन को बोले तो कन्वेक्स पॉलीगन उस पॉलीगन को बोलते हैं जिसके अंदर नॉन एक्सटीरियर डायगोनल मिले। कन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं जी, जिसके अंदर नॉन एक्सटीरियर डायगोनल मिले, डायगोनल एक्सटीरियर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें, ये पॉलीगन अगर है, तो इसका डायगोनल यहाँ होगा और यहाँ होगा, और इसका डायगोनल ड्रॉ करें तो एक ठॉम को एक्सटीरियर मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन है और ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में दो नंबर है और कॉनकेव पॉलीगन में एक नंबर है, और कुछ तो है नहीं इसमें, तो पॉलीगन है ही नहीं, तो इसमें कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। आंसर मिला लीजिए इसका, देखिए डी नंबर का क्या दे रहा है, दो नंबर दे रहा है, और ई नंबर का वन नंबर दे रहा है। तो हम उम्मीद ये करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू नंबर, ठीक है, टू नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू बोला है क्लास हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, कितने डायगोनल होंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, हाँ डायगोनल बोला है, ये नहीं बोला है एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, सिर्फ बोला है कि डायगोनल कितने होंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर टू, दो नंबर में दिया है, बोला है कि हाउ मेनी डायगोनल्स हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। कितना डायगोनल होगा हर एक के पास, पहला नंबर में बोल रहा है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बोल रहा है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जो कि क्या हो जी, कॉन्वेक्स हो, ठीक है। दूसरा नंबर में बोल रहा है, बी नंबर में बोल रहा है ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल मिलेंगे। सी नंबर में बोल रहा है ए ट्रायंगल, ठीक है, ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल मिलेंगे, ठीक है। देखिए बोला हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, हर एक में कितना डायगोनल मिलेंगे, ठीक है। डायगोनल्स बोला है इसमें, ये नहीं बोला है कि एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, कोई भी हो सकता है डायगोनल, उसको जो है हमको देखना है। बोला है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो रेक्टेंगल भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, स्क्वायर भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, पैरेलोग्राम भी है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें सिर्फ कितना डायगोनल मिलेगा, दो डायगोनल मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, दो, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जी, टू, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन में कितना डायगोनल मिलेगा, तो हेक्सागन बना लीजिए रेगुलर, ये रहा हमारे पास रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन हो गया, इसमें कितने डायगोनल मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको समझना पड़ेगा, डायगोनल बोलते हैं ऐसे लाइन सेगमेंट को जो कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ऐड करे। तो अगर हम बोलें कि यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये तो कंसेक्यूटिव हो गया, हमको क्या चाहिए, नॉन कंसेक्यूटिव। तो यहाँ से कनेक्ट करने वाला जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो लगातार नहीं है, एक ठो, अगर हम ड्रॉ करें तो दो ठो, तीन ठो होगा ना जी, तो तीन डायगोनल यहाँ से ड्रॉ होगा। उसी तरह अगर बोले यहाँ से तो एक ठो, दो ठो, तीन ठो, छ हो गया। उसी तरह यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से ड्रॉ तो हो गया एक ठो, ठीक है, छोट हुआ ना जी, यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो एक ठो हो गया है, छोट हो गया, यहाँ से तीन ठो, यहाँ से तीन ठो छेद हो गया
यहां से ड्रॉ करें तो ये सात हो गया और ये आठ हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसके अलावा और भी डायगोनल ड्रॉ होगा क्या? अगर यहां से ड्रॉ करें तो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है यहां पर, हाँ यहां से देखें ये नौ हो गया, और यहां से देखें तो ये ऐसे और ऐसे ये हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। तो टोटल हमको नाइन डायगोनल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना? अभी अब तो बहुत जो है इधर उधर हो गया है, समझ में तो नहीं आ रहा होगा, फिर से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। चलिए, ये रहा हमारे पास रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। बड़ा सा बनाते हैं ना, बड़ा सा जगह नहीं है। ये रेगुलर हमारे पास हेक्सागन हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये रेगुलर हेक्सागन है, तो अगर यहां से हम ड्रॉ करें तो पहला डायगोनल हमको ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, याद रखिएगा तीन डायगोनल हुआ। फिर यहां से ड्रॉ करते हैं तो एक ये मिला, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, छह हुआ ना। फिर यहां से ड्रॉ करते हैं तो एक तो ड्रॉ हो चुका है, छह हुआ है अभी, ये सात मिला और ये आठ मिला, ठीक है, आठ को मिला है, ठीक है। फिर यहां से ड्रॉ करते हैं तो एक ड्रॉ हो चुका है, ये मिला हमें नॉट हो, ठीक है। फिर यहां से ड्रॉ करें तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, यहां से ड्रॉ करें ये हो चुका है, ये नॉट हो डायगोनल मिला। कितना डायगोनल मिलेगा जी रेगुलर हेक्सागन में हमको? कितना मिलेगा जी? नाइन मिलेगा। आप आंसर चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, कितना डायगोनल मिलेगा जी? नाइन डायगोनल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर टू है 3.1 का, 3.1 का हमको नाइन डायगोनल मिलेगा दिया हुआ, ठीक है। उसी तरह बोला कि ट्रेंगल, ट्रेंगल में कितना डायगोनल मिलेगा? तो ट्रेंगल में ये रहा है ट्रेंगल, ट्रेंगल में सिर्फ हमको कितना डायगोनल मिलेगा? अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, ड्रॉ हो पाएगा क्या? इसमें नॉन कंसेक्यूटिव कुछ साइड नहीं है, वर्टिसेस नहीं है जो नॉन कंसेक्यूटिव हो। इसके तुरंत बाद ये आ जा रहा है, इसके तुरंत बाद ये आ जा रहा है, दूसरा कोई वर्टिसेस है नहीं है, इसके तुरंत बाद ये आ गया, इसके तुरंत बाद, तो इसमें जीरो वर्टिस जो है डायगोनल मिलेगा, कोई डायगोनल नहीं मिलेगा, नो डायगोनल, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? नो डायगोनल, नो डायगोनल या फिर जीरो डायगोनल, ठीक है। आप आंसर मिला लीजिए, क्या दे रहा है इसका आंसर मिला लीजिए, 3.1 का जो है जीरो डायगोनल या जीरो डायगोनल, ठीक है, नो डायगोनल या जीरो डायगोनल। चलिए क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बोला है व्हाट व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल Will this property hold? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Bola hai ki make a नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। देखिए जी बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बोल रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, क्या ये प्रॉपर्टी को शो करेगा जो कि जो है क्वाड्रिलेटरल क्या हो, कॉन्वेक्स ना हो, तो क्या वो उस प्रॉपर्टी को शो करेगा, ये कह रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, एग्जाम्पल ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एंगल का सम कितना होगा, है ना। बोला है मेजर्स ऑफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम कितना होगा, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम का फॉर्मूला है आपको बताए हैं अभी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पोलीगन, क्या था हमारे पास, पोलीगन था, क्वाड्रिलेटरल वहां पर नहीं था, वहां पर पोलीगन था, ऑफ एनी पोलीगन, कोई भी पोलीगन था, तो पोलीगन चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों के दोनों पोलीगन में ही आएंगे।
अगर हम बोले कि ये इस तरह से दिया हुआ है तो क्या ये पॉलीगन नहीं है? पॉलीगन है, बिल्कुल पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगन है तो जाहिर सी बात है ये क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पॉलीगन होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बताएं कि एन माइनस टू इंटू में 180, ये इसका तरीका है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, क्या ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्या ये प्रॉपर्टी इस पर लागू होगा अगर ये कॉन्वेक्स ना हो? तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, यस। आंसर क्या होगा, यस, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो पॉलीगन होना चाहिए, अगर पॉलीगन है तो उस पर यह फॉर्मूला लागू होगा। एनी पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो बोला मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, तो बोला एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कीजिए और ट्राई कीजिए, तो बिल्कुल ये लागू होगा, आप इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है 360 डिग्री होगा, और यस बिल्कुल सही आंसर जो है हम दिए हैं यस। और 360 डिग्री क्यों होगा जी, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल बोला है, क्या बोला है जी यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, चार रखेंगे तो चार माइनस में दो इंटू में 180, यानी कि चार माइनस दो गया तो कितना बचा जी, चार माइनस दो गया तो दो इंटू में 180 इक्वल टू में 360, ठीक है। तो उसका दिया हुआ, ठीक है, यस लगेगा हमारा आंसर, यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, इसका क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर को हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, इसको ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको पढ़ दे रहे हैं। बोला एग्जामिन द टेबल, द टेबल दिया हुआ है, इसमें टेबल दिया हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है, 180 और यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू में 180 है ना, या 3 इंटू 180, 4 इंटू 180 दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ। बोला एग्जामिन द टेबल इज ऑफ द फिगर डिवाइड इंटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड डिड्यूस्ड फ्रॉम डेट, ठीक है, यानी एंगल डिड्यूस किया गया तो इसी फॉर्मूला को लेके आया, असल में वो डिड्यूस करने के बाद इस फॉर्मूला को लेके आया है। आप देख सकते हैं जहां ट्रेंगल है वहां 180 लिख देता है, जहां पर चार टू साइड है वहां पर 4-2 लिखा है ना, यानी एन के जगह पर 2 लिखा है, 4 लिखा है, 4-2 इक्वल टू 180 ऐसे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आगे कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड, बोला है कि क्या आप कहिएगा अबाउट द एंगल सम, जिसका एंगल सम क्या होगा अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन का साइड नंबर ऑफ साइड दिया है 7, अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड 7 दिया है तो क्या होगा, यानी कि असल में ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था वो आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, पूरा क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा बुक में से, क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल कंप्लीट क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, बस इतना समझिए उसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी भी सम ऑफ एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एंगल का सम कितना होगा, तो n माइनस में 2 इंटू में 180, ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ये क्वेश्चन 4 में कह रहा है, फॉर्मूला निकाल के वही बता रहा है, ठीक है, उसी फॉर्मूला को निकाल के बता रहा है। और फिर बोल रहा है यहां पर आगे कि व्हाट कैन यू से, क्या कहिएगा आप अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन का एंगल के सम के बारे में क्या कहिएगा, बोला है विथ नंबर ऑफ साइड्स, जिसका नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, ठीक है, पहला नंबर में दे रहा है 7 साइड, ठीक है, और दूसरा नंबर में बोल रहा है क्या चीज 8 साइड, और सी नंबर में बोल रहा है क्या चीज 10 साइड, उसके बाद से डी नंबर में बोल रहा है क्या चीज एन साइड, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि अगर साइड का नंबर 7 हो जाए, ठीक है, एन नंबर में बोला है कि साइड इक्वल टू में 7 हो जाए, एन नंबर में क्या बोला है जी, साइड इक्वल टू में साइड का नंबर, नंबर ऑफ साइड, या फिर साइड का नंबर बोले, साइड नंबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 7, इसमें दिया हुआ है साइड नंबर, है ना, या नंबर ऑफ साइड कहिए इसको, नंबर ऑफ साइड करने में आसानी है, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितना दिया हुआ है जी, ये 8 दिया हुआ है ना जी, 8 दिया हुआ नंबर ऑफ साइड, उसके बाद से यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितना दिया है, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 10 दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड इक्वल टू n दिया है। अगर अलग अलग नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है तो उसके लिए आपको क्या कहिएगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या कहिएगा कि
सम क्या होगा, किसका सम बोला है, एंगल का सम, कॉन्वेक्स पॉलीगन का, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का एंगल का सम कितना हो जाएगा, हमको पता है कि एंगल सम कितना होता है, एन माइनस में टू इन टू में यही ना होता है, जहां नंबर ऑफ साइड ये दिया है, तो यहाँ पर सात माइनस में दो क्या होगा जी, एन को जब रखेंगे सात माइनस में दो इन टू में 180, तो सात में से दो क्या कितना होगा, पांच इन टू में 180, 18 पचे कितना हो जाए 90 होता है ना, तो 18 पचे 90 हो गया और इस पर एक जीरो 900 डिग्री, ठीक है। उसी तरह इसके बोलेंगे तो नंबर ऑफ साइड एन माइनस में टू इन टू में 180, ठीक है। तो एन को जब आप क्या कहेंगे आठ माइनस में दो इन टू में 180, छः में इन टू में 180 कितना हुआ, 18 × 6 = 108 कितना होगा जी, 8 × 6 = 8, 28 × 8 = 8, 8 × 4 = 6 = 10 कितना 10 80, यानी 1080 डिग्री, ठीक है। उसी तरह इसके बारे में बोले एन माइनस में टू इन टू में 180, एन को जब कहते हैं 10 - 2 इन टू में 180, ठीक है। 10 - 2 गया तो 8 × 180, 18 × 8 = 144, ठीक है, है ना जी, 18 × 144 यानी 1440, है ना, समझ, उम्मीद करते समझ में आया होगा, 18 × 144 = 1440 हो गया। उसी तरह बोले एन साइड, नॉर्मल साइड कितना है, एन है, तो इसके लिए तो जाहिर से फॉर्मूला ही एन माइनस में टू इन टू में क्या है 180 है। एन के जब क्या रखेंगे, एन रखेंगे, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ साइड एन है, तो जैसे यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन क्या है, इसका डेफिनेशन हम दे चुके हैं, जिसका इक्वल एंगल इक्वल साइड हो, रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जिसका तीन साइड है उसको क्या बोलते हैं, तो तीन साइड को तो ट्रायंगल बोलते हैं, चार साइड है क्या बोलते हैं, चार साइड जो जिसका रेगुलर पॉलीगन चार साइड है उसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, और छह साइड है उसको हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, बना लीजिएगा, आसान है, थ्री साइड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर तीन साइड है और रेगुलर पॉलीगन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 5 का 1 नंबर, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन बोला है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है, तो एक नंबर में बोल रहा है कि तीन साइड अगर रहे तो उस रेगुलर उसको क्या नाम देंगे, तीन साइड का मतलब क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो जाना है, तो ये इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर बोला जाए यहाँ दो ना फोर साइड, चारों के चारों साइड इक्वल है, तो चारों के चारों साइड इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, स्क्वायर। और तीसरा नंबर में है ये दूसरा नंबर इस तरह से है, ये तीसरा नंबर बोला है छह साइड, ठीक है, छह साइड है, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, हेक्सागन, है ना, हेक्सागन, इस तरह से होगा ये, ठीक है, इसको क्या नाम है, रेगुलर हेक्सागन, क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। उम्मीद ये है समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहा है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, जो दिया हुआ फिगर है उसमें एक्स केवल निकालना, देखिए ये कुछ इस तरह से है क्या, देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ, ये कितना दिया जी 50, ये 130, ये एक्स और ये 120, ठीक है, ये 50 130 बोले एक्स केवल निकाले, जैसे कि हमको पता है कि चार साइड है, ये चार साइड है, तो जो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360, जैसे कि हमको पता है, आपका चेक कर लीजिएगा एन माइनस में टू इन टू में 180, 360 हो जाएगा, ये कितना जी 50 + 130 + 120 + 1 = 360, यही ना 50, इस तरह से दिया हुआ 50 + 30 = 180, 180 में ये 100 जोड़ेंगे 280 में ये जो 20 जोड़ेंगे 300 और प्लस में x इक्वल टू में 360, देन x इक्वल टू में 360 माइनस में 300 इधर जाएगा ना, देन x इक्वल टू में 60 डिग्री। उम्मीद ये करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये x के वैल्यू ऐसे निकालते हैं,
तो अगला जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है जी, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको सबको हम छोड़ दे रहे हैं, हम ये समझते हैं कि आप बना लीजिएगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर ए, ए को बताए हैं, ये ए नंबर था, और बी नंबर छोड़ दे रहे हैं, और सी नंबर को बताने जा रहे हैं, ठीक है। सी नंबर को देखिए, सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर में कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ, ठीक है। सी नंबर में इस तरह फिगर दिया हुआ, ये बता रहा है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये बता रहा है कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये बता रहा है कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, ऐसा बता रहा है। और ये बता रहा है कि ये 70 डिग्री है और ये कितना बता रहा है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो बोला है कि एक्स का वैल्यू निकालिए, है ना। ये 30 डिग्री, ये एक्स एक्स, और ये 70 और 60 है, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, इस फिगर को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है जी। क्या जी? ये पेंटागन है और रेगुलर नहीं है, ये तो तय है कि ये रेगुलर नहीं है। तो इस पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम हम निकाल सकते हैं, कितना होता है पेंटागन का, तो एन माइनस में 2 × 180 करके निकाल लेंगे। खैर ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये बात तो तय है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से, दोनों तरफ लाइन है, एरो है ये, तो एरो कभी भी स्ट्रेट होता है ना। सॉरी, ये लाइन है, लाइन एरो नहीं, ये लाइन है, इधर की तरफ एरो, इधर की तरफ एरो, तो लाइन जो है हमेशा स्ट्रेट होता है। ये एरो साइन दे करके बता रहे कि लाइन है, तो ये 60 है, तो ये हम कह सकते हैं कितना, 120 कह सकते हैं लीनियर पेयर से, ठीक है। और ये 70 है, तो इसको कितना कह सकते हैं, 110 कह सकते हैं, क्योंकि टोटल 180 होना है, ये भी 180 होना है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, कहेंगे यहाँ पर इसको बोल रहे हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है। चूंकि ये पेंटागन है तो पेंटागन लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 को साइड है इसमें, है ना, 5 को साइड है इसमें। तो हम बोलेंगे n माइनस में 2 और इंटू में 180, फॉर्मूला हमारे पास है, n की जगह 5 रखेंगे, 5 में से 2 इंटू में 180, ठीक है। तो इससे पहले हम कहेंगे यहाँ पर, चलिए इसको लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखें यहाँ पर हम कहेंगे इक्वल टू में, यहाँ पर लिखते हैं n माइनस में 2 और इंटू में 180, ठीक है। और n की जगह पर रखेंगे कितना, 5 माइनस में 2 गया और इंटू में 180, और इधर को लिखेंगे, चूंकि पेंटागन के एंगल का सम बात कर रहे हैं, तो 30 अब प्लस में इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, 30 लिख दिए, अब प्लस में ये दोनों को जोड़ दिए, तो x प्लस में x, अब प्लस में इसको जोड़ दिए 110, प्लस में इसको जोड़ दिए 120, ठीक है। और इक्वल टू के पास इतना लिखना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये 30 है और ये 20 है, 150 यहाँ हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 150, 150 में इस 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, 160, 160 में अगर 10 100 जोड़ेंगे तो 260, ये हो गया आपको 260, इन तीनों को जोड़ने के बाद से, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना 260, और प्लस में x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल टू में 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, इंटू में 180, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब यहाँ से 2x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 18 54 540 है, और माइनस में 260 जो है इधर को माइनस में जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2x का वैल्यू निकालेंगे कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 6 हो गया 14, में से 6 गया 814, 8, ठीक है। यहाँ पर 4, 4 में से 2 गया 2, कितना बना जी, 280 बना ना, ये 14 में 6 गया 8, 814 होता है, यानी 4 में से 2 गया, इतना x, 2x का वैल्यू निकल गया। अगर यही से हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये 2 से कट जाएगा ना, कितना आएगा, 140, x का वैल्यू 140, तो x का वैल्यू हमें निकाले 140, ये भी 140 हो जाएगा और ये भी 140 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकाले ये समझ में सामने आया, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सम के ऑफ पेंटागन के कॉन्सेप्ट हमने इसको बनाया है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई जो है इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी तक हो, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हो गया, जो बचा हुआ 2 क्वेश्चन उसको बना लीजिएगा, इसका आंसर मिला लेते हैं, इसका आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज फट गया, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 6, 140 दिया है, बी का ये है, ये कितना नंबर है जी, ये बी नंबर है, बी नंबर है, कितना नंबर है, ये सी नंबर है, किसका है, ये सी नंबर है ना, ये 6 का सी नंबर है ना, तो 6 का सी का कितना आंसर दिया हुआ है, 6 का सी का 140 दिया हुआ है, ठीक है। और ए का दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, ये दोनों सही है ना। चलिए
हम सेवन नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए ये क्या कह रहा है। ये x दिया हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कितना दिया है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है जी। तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री जब दिया है तो ये 90 नहीं हो जाएगा, तुरंत हम समझ जाएंगे कि 90 होगा, क्योंकि ये लाइन आगे बढ़ा हुआ है। तो लाइन जो है क्या बताता है, 180 होता है। खैर आगे देखते हैं ये क्या करा, ये वाई दिया हुआ है, इधर आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये वाई दिया हुआ है और ये दिया हुआ जेड, ये जेड दिया है, और ये कितना दिया जी, ये 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से ये दिया बोला है इसमें कि आपको x का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। नहीं बोल रहा है इसमें a नंबर ना, ये सेवन का a नंबर बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसको आप निकालिए, ये कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये निकालिए। तो देखिए जी, जैसे कि ये 90, ये 30 है, तो आगे काम करना है, ऊपर x है, वाई है, जेड है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ये 90 डिग्री है, ठीक है, x का वैल्यू 90 डिग्री हम निकाल लिए, और इस जेड का वैल्यू भी हम निकाल लिए, 130 है तो 150 तबेरा जुड़ का 180 होगा, ठीक है, उम्मीद ये करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। और ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा जी, ये 90 है, ये 30 है, तो इसमें जो है हम कितना जोड़े तो 90 ये हो जाएगा, 60 होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम कितना होना है, 180 होना है, ठीक है, ये 90 ऑलरेडी है, तो 60 30 90 मिलेगा तब ना 180 होगा, 90 तो ये कितना हो जाएगा जी, ये 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, ये टोटल 180 होता है, तो 60 है 120 मिलकर 180 हो गया। बस क्या करना है, एक्स के वैल्यू 90 है प्लस वाई का वैल्यू कितना है, कहाँ गया, 120 है, प्लस जेड का वैल्यू कितना है जी, 150 है, जोड़ देना है, ठीक है। देखिए अगर 0 0 0 कहें तो 0 5 2 7 और 7 9 16 है ना, 16 के 6 कैरी, 1 1 और 1 2 और 1 3, 360। वैसे भी हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, बताया था ना कि कोई भी पॉलीगन हो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल ही तो है x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए अगला क्वेश्चन है सेवन का, बी नंबर है, ठीक है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये बी नंबर में कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से ये दिया हुआ है यहां पर, ये यहां पर एक्स दिया हुआ है, ये वहाँ पर वाई दिया हुआ है, और इसको आगे हम बढ़ा देते हैं तो ये जेड दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, और ये डब्लू दिया हुआ है, ठीक है, ये डब्लू दिया हुआ है, तो डब्लू दिया, बोल रहा है कि आपको एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड प्लस में डब्लू इक्वल टू 8 निकालना है, ठीक है, मिला लीजिए क्वेश्चन को, 60 है, 80 है, 120 है, ये ऊपर वाई है, नीचे एक्स है, डब्लू है, और वहाँ पर जेड है, ठीक है। तो इसमें निकालना है तो हम काम करते हैं ना, इस एंगल को निकाल लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल के सम 360 होना है, तो ये कितना है, 120 है, और ये 60 है, कितना हो गया, 120 और 60 मिल गया 180 हो गया, ठीक है, 120 यहाँ पर है और ये 60 है, 180 हो गया, तो यहाँ 80 है तो यहाँ पर 100 होगा, तभी ना मिल गया 180 और 180 मिल गया, ये तीनों का एंगल का सम 360 हो गया, तो हमने निकाल लिया ये 100 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये लाइन को आगे बढ़ाए तो ये 80 होगा, 80 होगा नहीं, W का वैल्यू 80 हो गया, क्योंकि ये टोटल 180 होना है, तो W का वैल्यू 80 हो गया, ठीक है। जब जब ये 120 है तो ये 60 होना ही होना है, क्योंकि दोनों के मिलकर 180 होना है, ये 80 है तो ये 100 होना ही होना है, ठीक है, और ये कितना है जी, ये 60 है तो ये आपको कितना होना है, 100 होना है। वैसे भी हमको पता है कि ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल, और ये भी एक्सटीरियर एंगल, चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल 360 ही होना है, कितना होना चाहिए, 360, चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल है, और चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। फिर भी हम प्रूव कर रहे हैं, हम एक्स के जगह पर एक्स का वैल्यू डालेंगे, कितना है 60, प्लस वाई के जगह पर वाई का वैल्यू डालेंगे, कितना है 100, और जेड के जगह पर जेड का वैल्यू डालेंगे 100, प्लस डब्ल्यू के जगह पर डब्ल्यू वैल्यू डालेंगे 180, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए ये हो गया आपको कितना, फिर से मिला दो, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या क्वेश्चन में, 120 है, ये 80 है, ये 60 है, ठीक है,
ये 100 नहीं ना होगा जी, 60 है ना ये, तो 120 ना होगा, ये 120 होगा ना, 60 और 120 मिलकर तो 180 होगा, ठीक है, 100 है तो 180 है, सही है, ये भी 180 सही है, 120 है तो ये 60 180 सही है, वही तो हम कर रहे थे। चलिए x की जगह x की वैल्यू डालिए, x के बोले कितना है 60 है, प्लस y के जगह पर कितना है 100 है, और z के जगह पर 120 है, और w के जगह कितना है 80 है, जोड़ दीजिए इसको, जोड़िएगा तो कितना होगा जी आपके पास, जोड़ के देखिए, ये 0 0 0 0 0, ये 8 और 2 10, 10 और 6 10 6 16 के 6 हाथ में, 1 और 1 और 1 2 और 1 3, 360। वैसे भी पता था कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया जी, है ना। अगले लेसन में हम लोगों को देखना है एक तो एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2 3.2, ठीक है, इसमें कुछ काम करना है, उसके बाद से उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है, पैरेललोग्राम और जो है रोम्बस वगैरह का कुछ प्रॉपर्टी को देखना है, उसके बाद से 3.3 है एक्सरसाइज, है ना, उसके बाद से 3.3 के बाद से ख़त्म हो जाएगा, नहीं 3.4 भी है इसमें, है ना, 3 एक्सरसाइज और है। चलिए तो हम लोगों ने आज देखा यहाँ पर कि कोरिलेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो उम्मीद ये करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद से उसको रिवाइंड कीजिए और फिर से उसको सुनिए क्या कहा जा रहा है, देखिए समझ में पूरा आएगा, और इसके अलावा भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके हमको बताइए, हम उसको समझाएंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।